नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। महिला थाने में फिर सामने आया तीन तलाक का मामला, जहां एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति ने मायके आकर उसे तीन तलाक कहकर घर न आने को कहा और जाकर दूसरी शादी रचा ली। रीवा की कटरा मार्ग निवासी महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही उसके परिवार वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज न देने पर दूसरी शादी करने की धमकी दिया करते थे, जिसके बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता के पति ने उसे तीन तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हफीजुर रहमान अंसारी ये बाणसागर पुखरी टोला सामान के हैं, पुखरी टोला सामान के निवासी हैं। भाई मेरे पति ने मेरे घर पे आके मुझे तीन तलाक दिया हुआ है और उसने कहा कि मैं तुमको दूसरी शादी कर के दिखाऊंगा। जी हाँ, 2 दिसंबर को उसने दूसरी निकाह कर लिया है, गुड़की निवासी नूर जहाँ से। तलाक देने का ये मतलब था उसका कि वो जब से मेरी शादी हुई है वो शुरू से ही मेरे सास ससुर मेरे पति हमेशा मुझे प्रताड़ित करते रहे, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा दान दहेज दिया है। शादी के 4 महीने बाद वो मुझे ये कहने लगे कि तुमसे मुझसे बच्चा नहीं होगा, मतलब हर तरह से मुझे प्रताड़ित करने लगे थे। हाँ, दहेज की मांग करते थे, तुम्हारे बाप ने ये सामान दिया है, ऐसा टूटा फूटा सामान दिया है। जी, उन्होंने मुझे तलाक वो घर में आके दिया है, मेरे पिता मेरे बहन मेरे मामा के रहने मौजूदगी में दिया है उसने तीन तलाक। उसके बाद उसने मुझसे कह के गया था कि मैं दूसरी शादी करके दिखाऊंगा और उसने 2 दिसंबर को उसने शादी कर ली। जी हाँ, महिला थाने मैम ने कहा है कि मैं कार्यवाही इस पर करती हूँ। पीड़िता लिखित आवेदन पत्र लेके कल अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित आई और बताया कि उसके पति ने उसे पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके घर आ जाने के बाद एक दिन वो घर आया और उसे तलाक 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 बोलकर बोला, मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, अब तुम्हें घर में नहीं रखूँगा। इसके बाद बताया कि दूसरी शादी कर ली है, जिसके तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अपराध पंजीबद्ध हो गया है, 498 है, 3/4 दहेज एक्ट है, 4 मुस्लिम विवाह अधिनियम है, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इस साल का पहला मामला है, पिछले वर्ष का महिला थाने में नहीं आया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।